द बैटल स्टोरी ऑफ सोमनाथ इस पर एक मूवी बनने जा रही है, जहाँ कहा जा रहा है कि प्रोड्यूसर जो दक्षिण भारतीय होने वाले हैं, मतलब तेलुगु इंडस्ट्री से आ रही है फिल्म, तो हम इससे कुछ उम्मीद तो कर ही सकते हैं। और वही प्रोजेक्ट के का एक पोस्टर भी आ चुका है, उसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। तो द बैटल स्टोरी ऑफ सोमनाथ, मतलब सोमनाथ में जो है कितनी सारी लड़ाइयाँ हुई हैं, मोहम्मद गजनी ने कितने बार हमला किया, ये सारी स्टोरी जो है इतिहास में है। आपने अगर पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे। तो यहाँ जो है इसके जो है पोस्टर लॉन्च का है, टीजर लॉन्च का है, ग्लिम्स का जो भी का, इसमें जो है उन्होंने बताया है कि सतयुग में किस प्रकार से चंद्रदेव ने जो है स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो सोमनाथ के लिए किया था, और वहीं जो है त्रेता युग में रावण ने पीतल से इसका निर्माण किया था सोमनाथ के मंदिर का, और वहीं भगवान श्री कृष्ण ने जो है जब वो द्वापर युग में आया था तब उन्होंने जो है चंदन की लकड़ियों से सोमनाथ मंदिर का निर्माण किया था। और बाकी आप ये तो जानते हैं कि अभी सोमनाथ का मंदिर सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण के द्वारका नगरी जिसे आज कहा जाता है, हालांकि द्वारका नगरी समुद्र में है लेकिन वर्तमान में जो द्वारका नगरी कहा जाता है, वहाँ जो है सोमनाथ मंदिर को अगर आप नहीं जानते तो बता दें कि 17 बार जो है विधर्मियों द्वारा इस मंदिर को तोड़ा गया था, ध्वस्त कर दिया गया था, लेकिन 18 बार हमने इस मंदिर को पुनः स्थापित कर दिया गया था। अर्थात ये कहता है इतिहास सीख सीख के कि भले कितने बार भी हमारे इतिहास को, भले कितने बार भी सनातन को जो समाप्त करने का प्रयत्न विधर्मियों द्वारा किया गया हो, लेकिन आज भी सनातन गर्व से खड़ा है और सोमनाथ का मंदिर अपना जो है प्रकाश जो है दुनिया भर में बिखेर रहा है। जहाँ आप देखेंगे उस मंदिर के वैभवता को तो आप सोचेंगे कि अभी इतना मंदिर इतना सुंदर है, तो सोचो जब मोहम्मद गजनवी 17 बार इस मंदिर पर आक्रमण करता है, इसके केवल महीनों तक इसके खजाने को ले जाने में, मंदिर के जो है जो एक एक जो स्वर्ण मुद्रा थी, हीरे थे, मोती थे, माणिक्य थे, उसको ही निकालने में उसको महीने लग जा रहे थे। सोचो इसमें कितनी धन संपदा रही होगी, वो लूट के कितने हजारों घोड़े में, हाथी में, ऊँट में, वो लाद के यहाँ के जो मणि थे, माणिक्य थे, सोने थे, यहाँ के खजाने को लेके गया था। और ये घटना भी किसी से छुपी नहीं है, या फिर कहें कि सभी से छुपी, क्योंकि पाठ्य पुस्तकों में इसका तो वर्णन तक नहीं किया जाता क्यों है। तो कि सोमनाथ मंदिर को जो है, जैसे कि इसके डेट आगे पीछे मिलते हैं कि 10 जनवरी 1025 को या 10 जनवरी 1025 को जो है इसको जो है मोहम्मद गजनवी द्वारा जो है सोमनाथ के मंदिर को, सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग को जो है तोड़ दिया गया था। और यहाँ तक कि यह भी कहा जाता है कि सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग जो था वो हवा में जो है तैरता रहता था, उसमें जो ऐसे कुछ मैग्नेटिक जो है ऐसे कुछ जो है नतकासी बनाई गई थी, इस प्रकार से जो वास्तुकला का निर्माण किया गया था कि सोमनाथ का जो ज्योतिर्लिंग था वो हवा में ही तैरता रहता था। इसको जब मोहम्मद गजनवी भी देख के जो चौंक गया था कि कैसा चमत्कार है कि जो है ज्योतिर्लिंग हवा में तैर रहा है, इसके लिए जो है सोमनाथ मंदिर को, ज्योतिर्लिंग को बचाने के जो पुजारी थे और जो धनी जो व्यक्ति थे, उन्होंने मोहम्मद गजनवी को यह तक कहा था कि आपको मैं इतना धन संपदा दूंगा कि आपके जो पुरखे जो है, आपका पूरा जो है देश जो है इसको जो है कई जन्मों तक जो है नहीं समाप्त कर पाएगा। लेकिन मोहम्मद गजनवी जो है सोमनाथ मंदिर को और सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग को छोड़ता नहीं है और उसको ध्वस्त करके टुकड़े कर देता है, उसके टुकड़ों को जो है मस्जिद की सीढ़ियों में लगा देता है। तो इस प्रकार से जो है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि एक राजा थे, उन्होंने जो है सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग के टुकड़ों को प्राप्त किए थे। और महाराजा सुहेलदेव का बात तो अवश्य आता है, अगर फिल्म वाले अगर करें तो महाराज सुहेलदेव का गौरवशाली इतिहास बता सकते हैं, क्योंकि सलार मसूद से उन्होंने युद्ध किया था और उनको धूल में मिला दिया था। यहाँ ये भी बात आती है कि राजेंद्र चोल, जिनके बारे में आपने सुना होगा, तो चोल साम्राज्य के राजेंद्र प्रथम जो कि एक बहुत बड़े शासक थे, जिनको गंगई कुंडा की उपाधि मिली थी, वो जो है उनकी सहायता करते हैं बहराइच के मैदान में जो है सलार मसूद और जो है हमारे सुहेलदेव महाराजा का जो युद्ध होता है, और वो इस तरह से तुर्कों को जो है और जो है विधर्मियों को काट के रख देते हैं। और जिस प्रकार से वो सोमनाथ के मंदिर को विधर्मियों द्वारा तोड़ने के जो है उसको बदला को भी वो जो है प्रतिशोध जो है वो ले लेते हैं। तो सोमनाथ के मंदिर को 17 बार तोड़ा गया, आप सोच सकते हैं, औरंगजेब ने तोड़ा, अलाउद्दीन खिलजी ने तोड़ा, इस प्रकार से महमूद गजनवी समेत इतने सारे आक्रमण सोमनाथ के मंदिर पे हुआ, फिर भी जो है 17 बार गिरने के बाद 18वां बार जो सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा इसका जो है नवीनीकरण किया जाता है, इसका पुनर्निर्माण किया जाता है। वो अलग बात है कि इसके पीछे कहानी भी ये भी है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसको हम कहते हैं प्रधानमंत्री हमारे पहले भारत के, उन्होंने जो है इसका घोर विरोध किया था। अगर आपको पता हो तो आप जानते हैं, नहीं पता हो तो हम बताते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है सोमनाथ के पूरा निर्माण पर जो है बहुत सारे कड़े जो है विरोध लगा दिए गए थे। उन्होंने यहाँ तक कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे सबसे पहले राष्ट्रपति थे, उनको तक उसके जो है उद्घाटन के लिए जाने से मना किया था, लेकिन उन्होंने वहाँ गए, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहाँ जाते हैं और एक सर्वोच्च जो है भाषण भी देते हैं, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की हमारे जो है
धन्यवाद हम उनको करते हैं कि सोमनाथ मंदिर आज इतना भव्यशाली जो है सौराष्ट्र में गुजरात में आज भी गर्व से खड़ा हुआ है। तो 12 ज्योतिर्लिंगों पर कितने सारे आक्रमण किए गए हमारे मंदिरों को, पिछले हजारों वर्षों में कितना मंदिर को तोड़ा गया, जहाँ हम अभी भी उसके बारे में केस तो लड़ ही रहे हैं जहाँ, तो लेकिन आज भी सनातन धर्म इतने गर्व से खड़ा हुआ है और आज भी जो है हमारे मंदिर जो है 12 ज्योतिर्लिंग जो है आज भी सुरक्षित है, ये हमारे गर्व की बात है। यही तो सनातन परंपरा, क्यों सनातन का अर्थ ही होता है जो कभी नष्ट नहीं हो सकता, जो सदैव से था और जो सदैव ही रहेगा। देखते हैं कि द बैटल स्टोरी ऑफ सोमनाथ में कौन से वो समय काल को दिखाते हैं, क्या सतयुग की द्वापर युग की घटना को दिखाएंगे या फिर वो डायरेक्ट कलयुग की जो जितने बार युद्ध हुए हैं, क्योंकि सोमनाथ के लेकर इतने सारे युद्ध हुए, महमूद गजनबी की स्टोरी को ही दिखाएंगे, महाराजा सुहेल देव की स्टोरी को दिखाएंगे, तो इतने सारे जो है आपको टॉपिक मिल जाएंगे सोमनाथ के बारे में। तो देखते हैं, क्योंकि ये जो डायरेक्टर है, जो प्रोड्यूसर है, जो साउथ इंडिया से जो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से आते हुए दिख रहे हैं, अभी स्टार कास्ट तो अनाउंस नहीं हुआ है, इसलिए जो थोड़ी उम्मीद भी जग रही है कि सोमनाथ के जो स्टोरी है उसको अच्छे से दिखाया जाएगा, क्योंकि आपने देखा ही है कि आदिपुरुष में बॉलीवुड वाले ने क्या किया। कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आप सोमनाथ मंदिर के बारे में जानते हैं, क्या आप भारतीय सनातन धर्म के असली इतिहास को जानते हैं, क्योंकि पाठ्य पुस्तकों में इतना गलत हमें पढ़ाया गया जिससे हम अपने इतिहास से जो हम घृणा करने लगते हैं। आप इसके बारे में क्या कहना है, कौन से बताएंगे। जय श्री राम।